राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा ने हिसार के उकलाना में महिला जागरूक समिति द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महिला जागरूक समिति द्वारा महिला दिवस पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने अपने सांसद निधि कोष से 24 लाख रुपए की राशि महिला जागरूक समिति को मदद के रूप में देने की घोषणा की। महिला दिवस पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचने पर कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अरावली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा के नेता बड़े बड़े माफिया लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और करोड़ों रुपए कमाकर प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हैं। लोकसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ करवाए जाते हैं तो भी कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार है और मजबूती से चुनाव लड़ते हुए अपनी जीत दर्ज करेगी।